यदि आप भारत में किसी से पूछें कि आपको खाने में कौन सी सब्जी पसंद नहीं है, तो आपको जवाब में टिंडे, लौकी, कद्दू सुनने को मिलेंगे। लेकिन दुनिया की सबसे खराब सब्जियों में से इनमें से एक भी नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर सबसे खराब सब्जी कौन सी है। दरअसल ट्रैवल और फूड गाइड प्लेटफॉर्म टेस्ट एटलस ने हाल ही में दुनिया के 100 सबसे खराब फूड्स की लिस्ट जारी की है। इस सूची में भारत की डिश आलू बैगन को 60वें स्थान पर रखा गया है। आलू बैगन को दुनिया भर में सिर्फ 2.7 रेटिंग मिली है, जो कि बहुत कम है। पूरे भारत देश में तो यह सब्जी काफी लोकप्रिय है, लेकिन विदेशियों को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा। यह रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि भारतीय खाने का स्वाद विदेशियों के लिए अलग होता है। टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 100 खराब फूड्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आइसलैंड की डिश हकाल है, दूसरे नंबर पर अमेरिका का रेमन बर्गर और तीसरे नंबर पर इजराइल का यरूशलमी कुगेल है। सबसे खराब रेटिंग इन फूड्स को मिली है। आलू बैगन एक लोकप्रिय भारतीय ग्रेवी डिश है, जिसे देश भर में काफी पसंद किया जाता है। इसमें आलू बैगन प्याज टमाटर में विभिन्न प्रकार के मसाले मिलाकर तैयार किया जाता है। भारत में इसे हरी धनिया के साथ सजाकर परोसा जाता है। शायद मसालों और स्वाद की विभिन्नता के कारण विदेशियों को यह स्वाद अजीब लगा, लेकिन भारत में यह सब्जी बहुत पसंद की जाती है। खासकर गुजरात में तो ये सब्जी काफी लोकप्रिय है और यहाँ आपको हर घर में इस सब्जी के प्रेमी मिल जाएंगे। जाने कैसे तैयार किया जाता है ये स्कोर। सबसे पहले टेस्ट एटलस की ओर से दुनिया भर में एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वालों में से 100 सबसे खराब फूड्स के बारे में अपनी राय देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद सर्वेक्षण में प्राप्त हुए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक फूड को मिले रेटिंग और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक संग्रहित स्कोर तैयार किया जाता है। इस बार जो स्कोर आया है उनमें दुनिया की 100 सबसे खराब सब्जियों की लिस्ट में भारत की आलू बैगन की सब्जी को 60वां स्थान दिया गया है।